हेलो एवरीवन, दिस इज गफ्फर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज मैं एक इनविटेशन में जा रहा हूँ, बर्थडे पार्टी। आप लोग मेरा बिरयानी वाले ब्लॉग में देखे होंगे कि शैली है यहीं पे, मेरा लाइक बंगाली है, तो हम लोग के साथ एक रिलेशन है, लाइक रिश्तेदारी टाइप का। तो यूके में एक फैमिली मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो शैली का एक लड़का है, उसका बर्थडे है आज, इसलिए इन्वाइट किए। तो आज एकदम रेडी हो गए जाने के लिए। पर बात यह है कि आज मुझे पिक करने के लिए कोई कार लेके नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे खुद से जाना पड़ेगा। सो बाय बस चलेंगे, तो लेट्स गो। सो अभी मैं बाहर आ गया और अब मेरे घर के बिल्कुल सामने बस स्टैंड है, पर मैं वहीं से बस नहीं लूँगा क्योंकि आगे एक लेडी है, वहीं से कुछ चॉकलेट लेना है क्योंकि बच्चे हैं। उसके लिए मैं ऐसे भी तो एक गिफ्ट ले लिए, इसमें कुछ ड्रेसेस हैं और आगे से चॉकलेट ले रहे थे, और लेडी के सामने से बस ले लेंगे। ये बस, मैं अभी बस से उतर गया और अभी मेरे साथ जाएगा चेतन भाई, लाइक मेरा कलीग है। चेतन भाई को भी इनवाइट किए हैं, सो चेतन प्रो आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, सो उनसे मिल लेंगे और दोनों मिल के जाएंगे एक साथ। तो ये आ गया चेतन ब्रो दोनों मिल के चलते हैं। चेतन भाई एक्चुअली मेरा कलीग है, साथ में काम करते हैं। ये शैली का घर, उसके घर के एकदम एंट्री में पहनने का जगह, जहाँ पे बहुत अच्छा एक्वेरियम है, बहुत खूबसूरत है। ये भी और एक भी एक्वेरियम है। शैली बर्थडे बॉय किधर है? बर्थडे बॉय अलेक्सा प्ले हैप्पी बर्थडे सॉन्ग। How is it? Don't feel shy. Sir, are you happy? Very, very happy. Yeah. Your proud father. Proud father, yeah. Proud grandfather. So, আপনার কেমন লাগছে? আপনার like ছেলে established হয়ে গেছে, আপনার নাতিরা ইউকেতে আছে, আর তার মানে ছোট ছোট জন যে আছে, 4 ইয়ার হয়ে গেছে। এস্টা দেখে আপনার কেমন মনে হচ্ছে? Very happy. আপনি যে এই বয়সে কেক খাচ্ছেন, হেলদি আছেন, এটা বহুত বড় একটা ব্লেসিং। এইটাই আমাদের কাছে বিরাট আনন্দ যে এবারে আমরা বাবাকে পেলাম সাথে, তো ওই বার্থডেটাই একটা অন্য মাত্রা পেয়ে গেল। রাইট রাইট, হ্যাঁ, এটাই সবথেকে বড় ফ্যামিলি যে টাচ। এক্স্যাক্টলি, এই বেঙ্গলি ট্র্যাডিশনাল বার্থডে সেলিব্রেশন। आप लोग ऐसा होता है? ये पहले थोड़ा बंगाली मतलब ट्रेडिशन है। हाँ, ठीक है। Thank you.
বড় হওয়ার লাইফে ये चिकन चाप और ये फिश काटलेट, इसके साथ कासुंदी अच्छा जाता है। ओ कासुंदी आ गया मैडम, एक तो जल दो ना। हाँ, ये और फिश काटलेट डेडली कॉम्बिनेशन। परोठे आ गए, अभी इसको इसके साथ खाते हैं। पहले थोड़ा सा नींबू निचोड़ दे इसमें। चेतन ब्रो, पुट सम लेमन फर्स्ट देन डिप इट। बाबा तुमको चिकन दिए थे? हां एक्चुअली नो, दुगु दुगु तुम्हें खाओ। ऑथेंटिक बंगाली फिश फ्राई। ओके राजस्थानी भाई बोलिए, फिश फ्राई कैसा लगा? मस्त, बहुत शानदार। बंगाली खाना अच्छा है ना? अच्छा नहीं है तुम बाहर जाके जो मतलब कोई, तो मैं शुरू से घर में रहता था मम्मी के साथ, उसी टाइम बनाया नहीं, पर उनके साथ रह रहे कि थोड़ा देखते रहते तो पता है कैसे क्या कर रहे हैं, ऐसा बनाने का मन भी हो रहा है। हाँ तो जब अपॉर्चुनिटीज मिला तब ठीक ठाक बना लेते कभी। परोठे, ये मैदे का परोठा होता है, तुम लोग मैदे का परोठा नहीं खाते हो ना? ये कोलकाता में स्पेशल मिलता है, मुझे पता नहीं था कि लोग मैदे का परोठा नहीं खाता है। अच्छा, हम लोग घर में मैदे का पराठा, लूची जो कचौड़ी होता है, पूरी जो होता है सब मैदे से होता है। बाहर का होता है सब आटे से ना, उन लोगों का चाप भालो छे, पूरो एकदम ऑथेंटिक चाप फेबला। और बोलते हैं आज के तुम्हारे असली परीक्षा है। नहीं, नहीं, चाप मैंने पहले कभी नहीं बनाया, आज फर्स्ट टाइम ट्राई किया मैंने चाप। लाइक इन फर्स्ट चांस द सेम एग्जैक्टली जो फ्लेवर होता है ना चाप का। तुम कौन से रेस्टोरेंट खाए हो? खाया मैंने कभी नहीं खाया। आमिनिया में फेमस होता ना चाप? चाप मेरा उतना फेवरेट नहीं है, पर खाया। मेरा बहुत मन था कि कभी कभी भी मैं चाप बनाऊं एक बार। तुमने बोल दिया, नाइस नाइस। मगर चाप का ज्यादा ग्रेवी नहीं होता ना, थोड़ा सा ड्राई ग्रेवी होता है। ये बंगाली चिकन बिरयानी शैली जी बनाए। चेतन भाई बोलिए, बिरयानी में आलू कैसा लगा? फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मेरा ये बिरयानी का। बिरयानी का आलू मस्त, कैसा बिरयानी आलू? सबसे डिफरेंट टेस्ट है उसका, बिरयानी आलू डिफरेंट, क्योंकि उसमें सिर्फ आलू ऐसे डाला नहीं जाता, उसका एक प्रोसेस होता है, उसको फ्राई किया जाता है, उसको बॉईल किया तो एक प्रोसेस। हां तो उसका अलग नहीं, जैसे फ्राई आलू होता ना वो वाला टेस्ट नहीं है। मस्त मस्त बंगाली मिस्टी दही, यूके में बैठ के बंगाली मिस्टी दही मिलना इज गुड लक, वी आर लकी एनफ दैट वी आर गेटिंग इट। नवद्वीप। हाँ भाई साहब, ये देखो क्या आ गया, रसमलाई। माय गॉड। अच्छा यहीं पे आप लोग बैठते हैं? यहीं पे बैठते हैं, डायरेक्टली सनलाइट आता है यहीं पे, थोड़ा ग्लास टाइप का अच्छा है। ये स्टोरेज बहुत सारा सामान पड़े हुए हैं, अभी पूरा बैकयार्ड। तो अभी शैली के घर से निकल रहे हैं, हम लोग खाना पीना हो गया, और ये है शैली जी का ससुर जी और मम्मी जी पीछे हैं, सो ये लोग आए विजिट करने, अभी रहेंगे 6 मंथ शायद, तो चलते हैं अभी। और आज का खाना बहुत ज़्यादा हो गया इसलिए थोड़ा स्लीपी फील हो रहा है। बाय, सी यू। चेतन ब्रो बोलिए, खाना कैसा था, बंगाली शैली का खाना एंड बिरयानी? बहुत बढ़िया, मतलब अभी तक ऐसा लग रहा है कि पूरा फिल है, रात को खाने की जरूरत नहीं है भाई, खाना डिनर भी हो गया, डिनर और लंच दोनों एक साथ हुआ, दोनों एक साथ हो गया, बहुत अमेजिंग। मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस किया, ऐसा ऑथेंटिक टेस्ट और ये सब कुछ, सीरियसली मतलब बता नहीं सकते कि कैसा लगा है वो खाना। एग्जैक्टली और मेरे लिए क्या, देखो मैं तो खाना तो बहुत बढ़िया था, और मेरे लिए सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यूके में मैं जब
आने के लिए प्रिपेयर कर रहा था तब मैं सोचा नहीं, मुझे लगा कि मैं अकेला ऊपर जाऊंगा, पर यहीं पे आके सब इच्छे अच्छे लोग मिल जाना, एक फैमिली मिल जाना कि जो तुम्हारे सेम कल्चर से हो, तुम्हारे से अच्छा बॉन्डिंग हो, आके बातचीत करना, लाइक फील लाइक होम, तो ये बहुत बड़ा स्ट्रांग एक सपोर्ट होता है, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू शैली जी का, शैली जी का हस्बैंड का, और लोग बहुत अच्छे से होस्ट किए, हम लोगों को बहुत अच्छे खिलाए, और लाइक ऐसा फील नहीं है कि गेस्ट है हम लोग थोड़ा फैमिली टाइप का है, तो एकदम फैमिली मेंबर, कैजुअली बैठ के बातचीत किए, तो ये बेस्ट पार्ट था। तो एनीवे गाइस, वीडियो के इस यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। ये लाइक मेरा एक डे पार्ट था थोड़ा, कि एक दिन में मैंने क्या किया, थोड़ा बर्थडे सेलिब्रेशन में आए थे, वो भी खाना पीना किया। एनीवे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल नाउ बाय।